लखनऊ आकर मस्जिद के लिए ट्रस्ट की बात करने वाले शरद पवार से देवेंद्र फडणवीस ने तीखे सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले फडणवीस ने पूछा, पवार क्यों बाबर जैसे एक घुसपैठी के नाम पर मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते हैं? मुस्लिमों को प्रार्थना स्थल मिलना चाहिए, लेकिन बाबर के नाम पर क्यों? फडणवीस ने कहा कि बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश का पहला बादशाह एक घुसपैठिया था। आखिर क्यों शरद पवार बाबर के नाम पर एक नई मस्जिद खड़ा करना चाहते हैं? अगर मुसलमानों को प्रार्थना स्थल के लिए जरूरत है तो उन्हें ऐसा प्रार्थना स्थल मिलना ही चाहिए, लेकिन आखिर बाबर के नाम पर क्यों? लखनऊ में पवार ने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि विश्वास बढ़ाने के एक कदम के तौर पर राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए बने ट्रस्ट की तर्ज पर मस्जिद के निर्माण के लिए भी एक ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए। फडणवीस ने कहा, मुझे इस पर भी आश्चर्य होता है कि पवार ने मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट के निर्माण की बात क्यों की, जब वे जानते हैं कि उनके लिए वक्फ का निर्माण किया जाना है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की बेंच ने एकमत से अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि ये पूरी विवादित जमीन 2.7 एकड़ में फैली हुई है, जिससे सरकार द्वारा बनाए गए एक ट्रस्ट को दे दिया जाना चाहिए, जो इस बात की जांच करेगा कि राम मंदिर का निर्माण कहां पर किया जाना चाहिए।